महेंद्र सिंह धोनी ने कर दी बड़ी बेईमानी, विराट के साथ की धोनी ने बेईमानी, अंपायर्स भी नहीं पकड़ पाए धोनी की ये बेईमानी, पकड़ी जाती धोनी की ये बेईमानी तो हार सकती थी टीम, बेईमानी से चेन्नई सुपर किंग को जिताया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया, चेन्नई सुपर किंग के हाथों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए इस आईपीएल मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने दो शानदार कैच लिए और अपनी टीम को 8 रन से जितवा दिया। पर इस मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसी गलती कर दी जो कोई पकड़ ही नहीं पाया, और अगर कोई इसे पकड़ लेता तो मैच का परिणाम ही इधर का उधर हो सकता था। द लंदन टॉप की खबरों को माने तो यह गलती नहीं बल्कि बेईमानी थी, और वो बेईमानी क्या थी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि लल्लन टॉप कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी की इस गलती को, महेंद्र सिंह धोनी की इस बेईमानी को अंपायर्स भी नहीं पकड़ पाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पारी चल रही थी, मामला 15वें ओवर का था। रविंद्र जडेजा के इस ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन और शानदार छक्का जड़ा। ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गिरकर बाहर की ओर निकली। कार्तिक इसे ऑफ ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं बना। ऐसा लगा कि धोनी ने विकेट के पीछे से गेंद कलेक्ट की, स्टंप बिखेरे और आउट की अपील कर डाली। अंपायर ने रिप्ले देखा, परखा, चेक किया और पाया कि जब धोनी ने स्टंप बिखेरे तब कार्तिक के पैर क्रीज के अंदर जमीन पर थे। ये गेंद डॉट रही। अगली गेंद पर सिंगल आया और अब 30 गेंदों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 58 रन चाहिए थे, लेकिन खेल तो यही हो गया। दरअसल धोनी ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद विकेट के पीछे से नहीं आगे से कलेक्ट की थी, यानी कार्तिक को स्टंप करने की जल्दी में माही नियम भूल गए थे। विकेट के आगे कलेक्ट की गई ये गेंद अपने आप नोबॉल हो जाती है, लेकिन तमाम रिप्लेस के बावजूद अंपायर ने यह नहीं देखा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इतनी होपलेस थी कि उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया और महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही की बेईमानी पकड़ में आई ही नहीं। अब इसके पहले कोई भड़ के आपको बता देते हैं कि लल्लन टॉप माही को बेईमान क्यों कह रहा है, लल्लन टॉप माही की गलती को बेईमानी क्यों बता रहा है। दरअसल वो MCC के नियमों का हवाला दे रहा है। MCC के नियम संख्या 27.3 के अनुसार गेंद खेल में आने से लेकर जब तक बल्ले या स्ट्राइकर को ना छू ले या फिर विकेट ना क्रॉस कर जाए या फिर स्ट्राइकर रन लेने की कोशिश ना करे, स्ट्राइकर एंड पर विकेट कीपर को पूरी तरीके से विकेट के पीछे ही रहना है। अगर विकेट कीपर इस नियम का पालन करने में असमर्थ रहता है तो स्ट्राइकर एंड का अंपायर इसे नो बॉल करार देता है। अब सोचिए अगर ये नो बॉल हो जाती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को यहाँ 1 रन के साथ एक्स्ट्रा गेंद ही मिल जाती और करीबी मुकाबले में ये दोनों ही चीज़ें कितना असर डाल सकती थी आपको पता है, इससे रिजल्ट भी इधर का उधर हो सकता था।